हरियाणा के रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मामले को लेकर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करना गलत है। साथ ही पत्रकारों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि फसल मैसेज देखकर नहीं पकती, इस योजना से किसान का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। हुड्डा साहब, रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसानों ने विरोध किया और विरोध के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया किसानों के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर शांति प्रिय विरोध है तो उसमें लाठी चार्ज अभी इस बात की जांच होनी चाहिए। शांति प्रिय विरोध करने का, प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है। शांति प्रिय आंदोलन पे कभी लाठीचार्ज नहीं किया। सर, मुख्यमंत्री जिस प्रकार से तीन बार हाजिर लगा रहे हैं सर, हफ्ते में तीन तीन बार दिल्ली में जा रहे हैं सर, चलो तो उनका काम है। किसानों को फसल बेचने में परेशानी आ रही है, वेब पोर्टल डाउन पड़ा है सर्वर और उनकी फसलें नहीं खरीदी जा रही है। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जी, जो एक उनको तकलीफ देने वाली बात है जी, वो मतलब ये मैसेज के हिसाब से थोड़ी फसल पकेगी उनकी, किसी आज पक गई किसी कल पक गई उसी टाइम, कहाँ पहले घर लेके जाए जी, फिर मंडी, तो उसका खर्चा वाहन कौन करेगा जो उसके ऊपर लादा जा रहा है। वो बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तिगांव के पूर्व विधायक ललित नागर की माताजी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार पर किसानों की आवाज को दबाने के गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही प्रदेश सरकार की योजना मेरी फसल मेरा ब्यौरा को किसानों के समय और धन की बर्बादी बताया है, जिसे किसानों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब पोर्टल काम नहीं कर रहा है तो कभी मैसेज समय पर नहीं मिलता, जबकि फसल मैसेज देखकर नहीं पकती। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।